एक करोड़ घर हर साल बनने चाहिए आपको एडवर्टाइजमेंट भी इतनी नहीं मिलेगी पर एडवर्टाइजिंग बहुत हो रही है दो कारण मेरे ख्याल कोई भी नहीं बोलना चाहता अभी इनमें से आप बोलिए क्योंकि भरोसा एक और चीज है सरकार ने एक बहुत अच्छी चीज प्रधानमंत्री ने कही कि सबका साथ सबका विश्वास जीतना है तो पहले तो कहां था सबका साथ गीतांबर भी बोल रहे हैं कि हम हमको जमीनों के लिए पैसा नहीं मिलता जमीन खरीदने के लिए पैसा नहीं मिलता पर आपको मालूम है सबको मालूम है कि लीकेज थी पहले जब आपको जमीनें मिलती थी नोएडा ग्रेटर नोएडा बेल्ट में तो लीकेज वो सो हेवी कि वहां से स्ट्रक्चर बनाने को कहां पे रहता था तो तभी जितने ज्यादा लोग हैं अब सरकार ने दो काम कर दिए एक साथ किए हैं काफी लोग तो यहां जेल में हैं या बेल में है हां? और दूसरी चीज है कि रेरा इंट्रोड्यूस कर दिया है उसमें भी ध्यान रखना है कि जब आपको रेरा से सैंक्शन घर की एडवर्टीजमेंट देखेंगे आप तो यह देखिएगा कि कितने सालों में देने वाले हैं क्योंकि पहले एक फैशन बन गया था कि तीन साल में घर दिया <laughs> घर तो बनते नहीं थे तीन साल में उसके बाद डिले के लिए पेनल्टी देनी पड़ती थी तो यू मस्ट सी टू टूट कि जो उसमें एडवर्टीजमेंट निकले वो चार साल या पांच साल में दें कि बनने को तैयार हैं क्योंकि इतनी एडवर्टाइजिंग और इतने प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं कि इतनी क्षमता है हमारी क्या इंजीनियरिंग की अब गीतांबर तो वो प्रॉमिस कर सकते हैं ही इज एन इंजीनियर हिमसेल्फ बट जैसे टैलेंट पूल ऋषि ने कहा कि अब टैलेंटेड पीपल शुड कम इन नॉट ओनली फ्रॉम मैनेजमेंट सरकार ने अपना काम तो कर दिया कि हर राज्य में एक नया आईआईटी बनेगा वहां पे सिविल इंजीनियर्स भी मैकेनिकल इंजीनियर्स भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स कंप्यूटर इंजीनियर्स बनने चाहिए बट उस क्षेत्र में लगने भी चाहिए तो इतनी क्या आपके पास इंजीनियरिंग क्षमता है कि आप इतने सारे मकान एक करोड़ मकान हर साल बना सकते हैं तो यू विल हैव टू सी कि कौन आपका कौन कॉन्ट्रैक्टर है कौन उसमें प्रोवाइडर है जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा और जो घर टाइम पे बनाएगा और आपका कैश फ्लो आपने मैनेज करना है